वेलकम बैक चिल्ड्रंस टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइजेस. सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक दैट इज आउटपुट डिवाइजेस. ओके, सो वॉट इज आउटपुट डिवाइजेस? आउटपुट डिवाइजेस वो डिवाइजेस होती हैं जो हमें आउटपुट देने में हेल्प करती हैं. दोज डिवाइजेस विच हेल्प अस टू गिव द फाइनल output. Okay, so let's read. These devices are used to display and give the final output. Okay, ये वो devices हैं जो हमें display और final output देने में help करती हैं. Okay, display मतलब show करना. जो भी हम काम करते हैं वो हमें display होता है, वो हमें दिखता है. और final output का मतलब रिजल्ट. जो भी हमने काम किया है उसका जो भी रिजल्ट होगा वो हमें आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से मिल जाएगा. ओके, सो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर डिस्क्राइब्ड बिलो. ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो विच वन इज द फर्स्ट? द फर्स्ट वन इज अ मॉनिटर. वॉट इज मॉनिटर? अ मॉनिटर लुक लाइक अ टीवी स्क्रीन. मॉनिटर जो है वो एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है. ओके, जैसे हमारे घर में टीवी स्क्रीन होती है वैसे ही कंप्यूटर का जो मॉनिटर है हमें टीवी की तरह दिखता है. नेक्स्ट, इट शोज द टेक्स्ट टाइप्ड इन एंड द वर्क डन बाय अस. ये हमें टेक्स्ट टाइप, जो हम टाइप करते हैं वो टेक्स्ट, और जो वर्क करते हैं वो वर्क हमें करके शो करता है, डिस्प्ले करता है. जो भी हम काम करते हैं, हमने कोई चीज़ टाइप करी है, हमने कोई चीज़ ड्राइंग करी है, जो ड्रॉ किया है, वो सारी चीज़ें हमें मॉनिटर पे देखने को मिलती है. इट ऑल्सो डिस्प्लेज द रिज़ल्ट. वो हमारा रिज़ल्ट भी शो करता है. जो भी हमने आउटपुट चाहिए वो हमें किस पे देखने को मिलेगा? मॉनिटर पे. एंड द सेकेंड वन इज द प्रिंटर. अ प्रिंटर इज़ यूज्ड टू प्रिंट द टेक्स्ट और अ पिक्चर्स ऑन पेपर. इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स कि जो प्रिंटर है वो हमारा टेक्स्ट और पिक्चर्स को प्रिंट करने में हमारी हेल्प करता है. ओके, इसके लिए हम प्रिंटर यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पिक्चर को प्रिंट करना हो तो. इट कैन बी यूज टू टेक बोथ ब्लैक एंड वाइट कलर प्रिंट आउट्स. दैट मीन्स कि हमारे पास जो प्रिंटर है वो हमें दो तरीके के प्रिंट में हमें दे सकता है. एक ब्लैक एंड वाइट, कि जो भी आप टेक्स्ट या पिक्चर्स निकाल रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट में आएगा, या फिर कलर्ड में. ठीक है, जो भी उस पिक्चर्स में कलर्ड होंगे वो सारे एज इट इज़ वैसे ही आपको प्रिंट करके आपका प्रिंटर आपको दे देगा. तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ आउटपुट डिवाइसेस. कि आपने इनपुट क्या डाला? कि आपको प्रिंट चाहिए ऑफ दैट पिक्चर, और उसके बाद वो पिक्चर का आउटपुट आपके प्रिंटर ने प्रिंट करके ऑन द पेपर आपको दे दिया है. तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है कि आपने कंप्यूटर में इनपुट डाला और इनपुट कंप्यूटर में डाला और आउटपुट कहाँ से मिला हमें? विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर. द प्रिंटेड कॉपी और अ पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी. जो हम लोगों को हार्ड कॉपी जिसे हम कहते हैं वो कौन सी चीज़ें होती हैं? हार्ड कॉपी होता है जो हम लोग प्रिंट निकालते हैं, जो हम लोग प्रिंटर से प्रिंट निकाल के जो पेपर एक कॉपी तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी. ओके, सो बहुत सारे प्रिंटर्स हैं दैट कॉमनली यूज प्रिंटर्स. यू जस्ट लुक एट योर बुक, देयर आर सम पिक्चर्स आर गिवन. द फर्स्ट वन इज अ डॉट मैट्रिक्स. इसको ये भी एक प्रिंटर ही है जिसको हम डॉट मैट्रिक्स बोलते हैं. दूसरा हमारा आ गया इंक जेट, इसे भी हम इंक, ये भी एक प्रिंटर है. और एक हमारा है लेज़र. तो ये हम लोगों के प्रिंटर्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं. ओके, नाउ कम टू ऑन द थर्ड आउटपुट डिवाइसेस दैट इज स्पीकर. स्पीकर्स अलाउ अस टू लिसन टू म्यूजिक एंड हेयर एनी साउंड स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर. आई नो एवरी वन नोज अबाउट द स्पीकर कि वॉट इज स्पीकर. तो एक बार फिर से हम लोग रीड करते हैं. जस्ट रीड.
स्पीकर्स अलाउ अस टू लिसन टू म्यूजिक. स्पीकर हमें अलाउ करता है म्यूजिक लिसन करने के लिए, यानी कि म्यूजिक सुनने के लिए. ओके. एंड हेयर एनी साउंड स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर. और कंप्यूटर पे कोई भी साउंड अगर स्टोर्ड है तो आप उसको किसकी हेल्प से सुन सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पीकर. अब ये आउटपुट डिवाइस कैसे हुआ? आउटपुट डिवाइस इसलिए है कि अगर आपको कोई वीडियो चलानी है और उसके साउंड आपको समझ में नहीं आ रहा है साउंड क्या है, तो आप एक आउटपुट डिवाइस रखेंगे स्पीकर, जिसे आप कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे और जब आप उसको प्ले करेंगे कि दैट यू वांट टू हेयर दैट साउंड, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द स्पीकर. स्पीकर आपकी हेल्प करेगा कि आपको वो साउंड आपको सुनाई दे. तो ये एक आउटपुट हुआ हमें हमारा, जो हमें स्पीकर के थ्रू मिल रहा है. और हमने इनपुट क्या किया था कि वी जस्ट वांट टू लिसन दैट म्यूजिक. ओके. सो दिस इज आल्सो अ आउटपुट डिवाइसेस. नाउ द लास्ट आउटपुट डिवाइसेस इज नोन एज अ हेडफोन्स. हेडफोन्स भी एक आउटपुट डिवाइसेस है दैट कैन आल्सो बी यूज टू लिसन अ म्यूजिक और अ साउंड. सो दिस इज आल्सो नोन एज अ आउटपुट डिवाइसेस. सो व्हाट इज हेडफोन्स? जस्ट लुक एट द पिक्चर. दिस इज नोन एज अ हेडफोन्स एंड दिस इज द स्पीकर्स. ओके. सो हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू साउंड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर और अ म्यूजिक प्लेयर विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. हम स्पीकर की हेल्प लेते हैं साउंड सुनने के लिए, सेम एज इट इज़ हम हेडफोन्स की भी हेल्प लेते हैं साउंड सुनने के लिए. बट व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन देम? द डिफरेंस बिटवीन देम, द मेन डिफरेंस इज दैट कि अगर आप स्पीकर में म्यूजिक सुनते हैं तो वो आप उस म्यूजिक से बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं. ओके. आपके साउंड से लोगों को डिस्टर्बेंस हो सकता है. लेकिन अगर आप हेडफोन्स यूज़ करते हैं तो हेडफोन्स में सिर्फ आप सुन सकते हो, आप बाकियों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते. ओके. यू कैन लिसन द साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. ओके. विद द हेल्प ऑफ हेडफोन्स. नाउ हेडफोन्स कंसिस्ट ऑफ वन स्पीकर फॉर ईच ईयर कनेक्टेड बाई अ बैंड ओवर द हेड. हेडफोन्स का क्या है कि उसके जो स्पीकर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पीकर्स, वो आपके एक एक ईयर के लिए होते हैं और एक हेड बैंड होता है जो आपके हेड पे लगता है. जस्ट लुक एट दिस पिक्चर कि दो स्पीकर्स दैट बॉल्स लुक लाइक अ पिक्चर इज नोन एज अ स्पीकर्स. वो आपके कान के लिए होता है, वो आपके कान पे सेट हो जाएगा ऑन द ईयर. एंड जो आपका हेड है वो आपके हेड बैंड पे सेट हो जाएगा. तो इसे हम कहते हैं हेडफोन्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिससे हमें रिजल्ट मिलता है, जिनकी हेल्प से हमें कोई चीज़ डिस्प्ले होती है या हमें उसका फाइनल आउटपुट मिलता है, तो उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस. और कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे हमारे पास है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स. ये हमारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस. मॉनिटर से हम जो भी काम करते हैं वो सब जो भी काम करते हैं वो हमें मॉनिटर की हेल्प से शो होता है, वो हमें डिस्प्ले करता है. सेकंड, प्रिंटर, हमें कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करानी है तो हम प्रिंटर की हेल्प ले सकते हैं. अगर कोई टेक्स्ट है या कोई फ़ोटो या कोई पिक्चर है तो आप किसकी हेल्प से उसे प्रिंट करा सकते हो? प्रिंटर की हेल्प से. वैसे ही स्पीकर और हेडफोन भी है कि ये दोनों हमें हेल्प करते हैं हमारे म्यूज़िक सुनने में, कोई भी साउंड सुनने में जो कंप्यूटर में ऑलरेडी स्टोर्ड है उनको. और जब डिफरेंस बस इतना है कि स्पीकर पे हम सुन सकते हैं तो हम बाकियों को भी बता सकते हैं, सुना सकते हैं. बट हेडफोन्स में हम सिर्फ अपने लिए ही वो साउंड सुन सकते हैं या वो म्यूज़िक सुन सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस. सो आई होप एवरी वन विल अंडरस्टैंड वॉट इज़ द आउटपुट डिवाइसेस. बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जस्ट आस्क फ्रीक्वेंटली. And tomorrow we will start learn about the storage devices. Okay? So
Take care and have a nice day.